हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेलवे ग्रुप टी एग्जाम 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो आरआरबी ग्रुप टी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। क्वेश्चन, एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? आंसर, जोंक तथा केचुआ। क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? आंसर, तिलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी। क्वेश्चन, मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते? आंसर, पायला, घोंगा। क्वेश्चन, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते? आंसर, तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा। क्वेश्चन, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? आंसर, मुख से। क्वेश्चन, सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? आंसर, अशुद्ध रक्त। क्वेश्चन, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? आंसर, शुद्ध रक्त। क्वेश्चन, कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आंसर, विटामिन बी तथा विटामिन सी। क्वेश्चन, सोडियम का कार्य क्या है? आंसर, यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन, पोटेशियम का कार्य क्या है? आंसर, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। क्वेश्चन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियां में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? आंसर, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? आंसर, इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्वेश्चन, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? आंसर, नेफ्रिडिया। क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? आंसर, 6। क्वेश्चन, बहिस्त्रावी एवं अंतरस्त्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? आंसर, अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? आंसर, मास्टर ग्रंथि। क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन लिंगरहेज द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है? आंसर, बी, कोशिकाओं द्वारा। क्वेश्चन, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? आंसर, कंपोस्ट। क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आंसर, औषधि सेलों में। क्वेश्चन, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? आंसर, हीलियम। क्वेश्चन, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर, कीटनाशक के रूप में। क्वेश्चन, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर, यकृत। क्वेश्चन, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? आंसर, हाइड्रोजन, H2। क्वेश्चन, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? आंसर, सूती। क्वेश्चन, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? आंसर, हरी सब्जियां। क्वेश्चन, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? आंसर, इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? आंसर, ग्लूकोज। क्वेश्चन, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए
एक रक्षा आवरण बनाती है। क्वेश्चन, आंत जोर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? आंसर, क्लोरोमाइसिटिन। क्वेश्चन, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? आंसर, ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन। क्वेश्चन, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? आंसर, 24 कैरेट। क्वेश्चन, सिनेबार या हिंगुल किसका अयस्क है? आंसर, पारा का। क्वेश्चन, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आंसर, लाल रक्त कणिकाओं का। क्वेश्चन, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? आंसर, 33। क्वेश्चन, बेसीजी का पूरा नाम क्या है? आंसर, बेसिलस कॉमेट ग्यूरिन। क्वेश्चन, एथलीट फूट नामक रोग किससे होता है? आंसर, कवक द्वारा। क्वेश्चन, दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? आंसर, कवक द्वारा। क्वेश्चन, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? आंसर, क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से। क्वेश्चन, पेट्रोल 10% तथा एल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं? आंसर, गैसोहॉल। क्वेश्चन, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है? आंसर, माइटोकांड्रिया। क्वेश्चन, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आंसर, आवर्तबीजी। क्वेश्चन, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? आंसर, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? आंसर, कवकों से। क्वेश्चन, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साचय समझा जाता है, वो दो जीव कौन से? आंसर, शैवाल एवं कवक। क्वेश्चन, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? आंसर, सेवाल। क्वेश्चन, लौंग किससे प्राप्त होती है? आंसर, पुष्पकली से। क्वेश्चन, हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।